आज अपन हिमासागर रोड पे पिरंचेरू विलेज को है, यहाँ हनीफ उस्ताद अखाड़े को है अपन। असल नो ये अखाड़ा खोलने की रीज़न और उन्हों कैसे पहलवानी करे, उनको ये पहलवानी का फ़न कैसा लेकर चल रहे, आज आज को आपको पूरा मालूम करके आज दिखा दूँ। और मेन चीज़ भैया, बच्चे इतनी दूर से, इतनी दूर, इतना दूर है हैदराबाद से, अपने हैदराबाद से अभी 18 किलोमीटर दूर है, पर भी बच्चे यहाँ से प्रैक्टिस करके अपने हैदराबाद को आके दंगला लड़ते। बच्चे इन लोगों की वीडियो देखो कैसा कर रहे पहलवानी, आगे बढ़ाओ, बहुत मुश्किलों से कर रहे बच्चे, ऐसा जिमों में हज़ारों हज़ार रुपए भरने के वो न के, पर पहलवानी में ना इतना नाम कमा रहे, मेडल मारे सभी बच्चे यहाँ। देखो वीडियो को देखे, शेयर करें, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अच्छे और ऐसे वीडियो, ऐसे अच्छे तालीमों को और दिखाऊंगा मैं, और मेरे को सपोर्ट करते रहो। में हनुमान का नाम ले, जंगल को जीत के केसरी गद दंडा ले, मान व्यायाम शाला में हनुमान का नाम ले, जंगल को जीत के केसरी गद दंडा ले, भले भले वीरुलु दंगल ला सूरुलु, हनुमंतुनि भक्तुलु महावीर शक्तुलु, पता पता दावुलु कैंची गोटे शाटुलु, दशरथ बल सूरुलु उर्मल वस्तादुलु, गज के पकड़ रे बाबा कैंची मार रे, तालीम करो रे हनुमान को मानो रे, गज के पकड़ रे बाबा कैंची मारो रे, तालीम करो रे हनुमान को मानो रे, भले भले वीरुलु दंगल्ला सूरुलु, हनुमंतुनि भक्तुलु महावीर शक्तुलु, पोता पोता दावुलु कैंची कोटे शाटुलु, दशरथ बल सूरुलु उर्मल वस्तादुलु, कसके पकड़ रे बाबा कसके पकड़ रे, कसके पकड़ रे बाबा कसके पकड़ रे। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, दादावलु जोड़ो वारे वा बली बली, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, पहलवान ला कसरत ला, जय जय बजरंग बली, दादावलु जोड़ो हनुमंतुनि शक्ति दी, तगड़ा तगड़ा महाबली गेलवालनी आकली, तगड़ा तगड़ा महाबली गेलवालनी आकली, मलकम तो रापिडी दंगलंदा चित्तड़ी, मलकम तो रापिडी दंगलंदा चित्तड़ी, दादावु धूपुड़े दंगलंदा धूपुड़े। नमस्ते पहलवान जी। नमस्ते। नमस्ते पहलवान जी, अपना नाम? मेरा नाम हनीफ है सर, हनीफ अफसर। पहलवान जी, आपके पिताजी का नाम? शेख मौलाना पहलवान। पहलवान जी, आपके उस्ताद कौन थे? पहलवान जी, ख्वाजा पाशा उस्ताद शाली मंडा। पहलवान जी, आपके तालीम का कौन से तालीम से ताल्लुक थे? पहलवान जी, आप? मैं वही ख्वाजा पाशा उस्ताद की तालीम से था। पहलवान जी, आपकी पहलवानी की सफर कैसा चालू हुई थी? पहलवान जी, मैं बहुत कम उम्र में था साहब, जो नर्सिंग में हर जुमेरात कुश्तियाँ होते थे, तो उसके बाद में मैं ज़रा अच्छा होने लगा, उसके बाद मैं, मेरे को भी शौक पैदा हुआ, तो ये गाँव गलमान तालीमा नहीं थे, तो मैं यहाँ से शालीमंडा जाता था, जाके वहाँ एक्सेस करके वहाँ जोरा लेके फिर मैं यहाँ को आता था। आने के बाद मैं भी कुश्ती लड़ा था, नरसिंह में लड़ा, धुलपे अपने धुलपेट जाली हनुमान के पास लड़ा, बोले साहब मोख्ता खैरताबाद के आगे वहाँ लड़ा, बिदर में लड़ा, शोलापुर में लड़ा, फिर उसके बाद कोहिर बोल के एक वखराबाद के बाद वो साल में एक बार होते थे कुश्तियाँ, मैं वहाँ भी लड़ा। लड़ने के बाद अब खैर मैं तो अब ज़्यादा उम्र का हो गया, अब ये मैं मेरा हुनर मेरे पेट में रख लिया तो अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैं हिंदू भाई बच्चों को, मुसलमान भाई बच्चों को, गरीब तबके के बच्चे हैं उनको मैं लेके चल रहा हूँ, और आज वो बच्चे भी अच्छा नाम कमा रहे, और एक मेरा भांजी का बच्चा है तौफीक बोल के, उन्हें अयोध्या भी जाके नेशनल जाके आया, और ये बच्चा है ये हमारा, ये भी बच्चा धुलपेड़ में राजा सिंह साहब से लिया, नहीं तो राजा सिंह साहब से अवार्ड लिया बच्चा,
अब यहाँ तक तो हमारी तालीम चली थी। लेकिन ये है बोलने का मतलब, अभी ऐसे ऐसे बच्चे नौजवान हैं और एक्सेस करके आगे बढ़ाने के वास्ते कोई बड़े बड़े लोग कुछ हमारे का अगर किधर से कुछ फंड गवर्नमेंट से मिला तो समझ जाओ कि ये बच्चे भी तरक्की कर लेते। अब हमारा तो हो गया, अब ये नौजवान बच्चे अगर कुछ चाहे लड़के उनको जैसा क्रिकेट है वो है आगे बढ़ाए वैसा कर ये फंड को भी ये भी फंड को अगर आगे बढ़ाया आप जैसे लोग अगर हम लोगों को बहुत खुशी होगी। पहलान जी आप ये पिरन चेरुंकर आप कितने साल से अपने अखाड़े को चलाते लेके आ रहे? कम से कम साहब मैं तकरीबन अभी सोकत तो 30 साल तो हो गए साहब। हाँ एक 5-6 साल तो मैं बाहर कर रहा ना शाली बंडे के तरफ हमारे ख्वाजा फैसल साहब की तालीम कर रहा हूँ। अब जो ये नौजवान तबके को जो लेके चल रहा हूँ मैं 25-30 साल से लेके चल रहा हूँ। पहलान जी आपके पहलाने के सफर में आप कौन से तकलीफें लिए थे? पहलान जी बहुत मेहनत कर रहा था मैं, काम करते हुए एक्सेस करके कुश्ती लड़ता था सब। काम करते हुए एक्सेस करके मैं कुश्ती लड़ता था। उस वक्त हमारे वाली साहब फौज में थे, आर्मी में, इंडिया गवर्नमेंट में थे और उनको बड़ी खुशी थी मेरा बच्चा आगे बढ़ते जाओ। आज उनकी शिक्षा थी, हिम्मत थी, मैं आगे बढ़ते जा रहा। तो मैं भी मेरे बच्चों को ये सबको आगे बढ़ा के लेके जाने की कोशिश में लगे हुआ साहब। और सबसे अच्छे बच्चे मेरे हिंदू बच्चे भी है अच्छे लड़ने वाले, मुसलमान बच्चे भी है मेरे पास लड़ने वाले। और कहाँ दूर दूर से आते, बुदियल से आते, खिस्मतपुरे से आते, राजेंद्र नगर से आते, पूरे बच्चे यहाँ के हैं। मैं लाल बहादुर स्टेडियम में भी लड़ता था उस वक्त और अच्छे जोड़ों में लड़ता था मैं और ऐसे भी बड़े बड़े पहलवाना थे। और एक अच्छे कोच थे हमारे टाइम के ईमानदार, उनका नाम था खालिद बिन ईसा। हाँ एलबी स्टेडियम के कोच थे बराबर थे। एक अच्छे कोच थे हमारे मैं लड़ते टाइम पे, तो उतने अच्छे कोच मैं आज तक देखा ही नहीं क्योंकि उनका नाम खालिद बिन ईसा था, मरहूम है। खैर ऊपर वाला उनको जन्नत नौफित करो। किसी के कोई पट्टा भी अगर लड़ा या उनका बच्चा हो या उनका भाई हो या कोई भी लड़ो ईसा बरोबर देते थे उन्हें। लेकिन वैसे कोच को मैं आज तक नहीं देखा, बेहतरीन कोच था खालिद बिन ईसा नाम था उनका, बड़े अच्छे कोच थे। और हमारे पास अच्छे लड़ने वाले भी जब हमारे टाइम के हमारे से बड़े पहलवाना थे और अच्छे पहलवान एक गिरधारी पहलवान थे, मैं उनकी तालीम में भी गया। चिंतामणि उस्ताद के सुपुत्र थे उन, और एक गौस पहलवान थे वो भी बड़े अच्छे पहलवान थे बारकस के, अच्छा लड़ते थे वो लोग। और एक पहलवान भी थे हमारे टाइम के जफर पहलवान, उन्होंने भी बड़ा अच्छा लड़ते थे। और हमारे गिरधारी पहलवान इतने अच्छे थे और उनकी कुश्ती देखने के लिए कई लोग देखने आते थे। और कोई अगर हाथा होता भी अगर गर्दन पर डाल दिए तो उन्हें कुश्ती रोक के समझाते थे, देख बेटा कुश्ती लड़ना है तो सीधा लड़, ये मेरे को मारना तेरे से भी अच्छा आता, लिहाजा ये कि मैं फन बताऊँ या मैं तू बता या मैं बताऊँ, लेकिन ये हाथा होता नहीं। वो एक अच्छा पहलवान था गिरधारी पहलवान। और अपने हैदराबाद को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाता था और भारत केसरी कोई नहीं ला सकते थे, हमारे गिरधारी पहलवान भारत केसरी ला सकते थे अपने हैदराबाद को, ये मैं देखा हुआ हूँ। और उनके वालिद साहब चिंतामणि उस्ताद थे, मैं वहाँ दौरा लिया, वहाँ भी लिया मैं दौरा। पहलान जी आपके पहलानी के दौर में आप कितने दंगा लड़े थे? पहलान जी मैं बताया ना साहब, एक अपने हैदराबाद में बोले तो लाल बहादुर स्टेडियम हमारे यहाँ लड़ा, जाली हनुमान के पास लड़ा और भले साहब मक्ते में लड़ा, कोहिर में लड़ा और बिदर में लड़ा, सोलापुर में लड़ा। पहलान जी अच्छा। आप पहलवानी करते समय कौन सा गिजा खाते थे? देखो साहब हम जो गिजा खाते थे साहब, बादाम खाते थे, काजू खाते थे थोड़े बहुत, और दूध पीते थे और माश की दाल रहती थी वो उसको भिगने डाल के रात में सुबह को खाते थे। घी तो साहब वो तो हमारे पास जानवर थे, भैंसा थे, गाया थे, खैर हमारे घर का घी था वो छाट लेते थे, ऐसे कुछ चलता था। पहलवान जी आपके घर वालों की सपोर्ट कैसा रहता था? पहलवान नहीं नहीं साहब मैं कुश्ती अगर लड़ते रहा तो मेरे लोग खुश होते और उनकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ते जा रहा था। और मैं तेलुगु मीडियम का हूँ, यहाँ स्कूल आने थे गाँव के लम्बा, मैं यहाँ से गोलकुंडा जाता था, गोलकुंडा हाई स्कूल, फिर वहाँ से फिर यहाँ को आता था, फिर एक्सेस को जाता था,
फिर एडजस्ट करता था, जोरा लेने में शालीवंड आ जाता था, कजफर और हमारे खलीफा सत्तार पहलवान थे, कजफर शाह उस्ताद की ताली में हमारे उस्ताद सत्तार पहलवान थे, ओ खलीफा उस्ताद कजफर शाह उस्ताद थे, खलीफा हमारे सत्तार पहलवान। पहलवान जी आपके टाइम की पहलवानी का टाइप बोले, आज आपके कन भी बच्चे आके कर रहे पहलवानी का, बच्चे हैं लड़ रहे बच्चे, उनको आपका डाइट का हिसाब और मेहनत का हिसाब कैसा कराते, आज के जनरेशन के बच्चों को कैसा मेहनत का वो बोलते आप? मैं यही बताता हूँ सर, जो हमारे उस्ताद ने जो बताए मेरे पास जो चीज़ है मैं वो बच्चों को वही बताता हूँ। और सुबह के टाइम पर बच्चे एक्सरसाइज कर लेते, शाम में एक्सरसाइज करते, दो दिन को तीन दिन को जोर लेते, एक्सरसाइज के जैसे जैसे तरीके हैं वो तरीके बताता हूँ, जितने भी तरीके हैं मैं वो तरीके से करूँगा। और ये है बच्चे मैं जो बोला वो बच्चे भी करते। अब मैं कमाता हूँ, मेरे बच्चे को खलीफा बना दिया हूँ चैन पाशाह को, अब वो तालीम पूरी उन्हीं देख लेता, अब मेरे उम्र के हिसाब से उन्हीं संभाल के लेके चल रहा हूँ। बच्चों को यही समझाता हूँ मैं, देखो पापा तुम बहुत गरीब बच्चा है, बहुत गरीब है बच्चों में, ज़्यादा तुम लोगों को वजन नहीं दे सकता, मैं भी कोई ऐसा वाला नहीं हूँ, मैं भी गरीब तालीम से ही गुजरा, ये बच्चों को भी गरीब बच्चे हैं हमारे गाँव, देहातों के बच्चे तो गरीब ही रहते, फिर भी मैं बच्चों की यह तारीफ कर रहा हूँ साहब, उनका खिजा खा के लड़ रहे बहुत बड़ी बात है सर। उनकी फाइनल तक जाते बच्चे, कुछ बच्चे फाइनल भी मार के लाते, कुछ बच्चे फाइनल में जाके मार खाते, अब उनको खिजा यही बताता हूँ, देखो बेटा तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप जो खिलाते उसके बावजूद तुम दूसरा काम और कुछ आगे काम करके तुम्हारा खिजा का रिक्स तुम पैदा करो, पैदा करके खा के लड़ो, तो जब तुम सही लड़ते, अगर तुम आएंगे यहाँ एक्सरसाइज करेंगे जाकर ये करेंगे वैसे नहीं चलता, कुछ खाओ सस्ता खाओ सही खाओ, तो सही गज़ा बता दिया उनको, देखो बेटा दूध थोड़े बहुत बादाम घी तो एक आधा किलो तो महीने में होना चाहिए, बराबर आधा किलो घी तो होना चाहिए खून के साथ, या एक्सरसाइज करके जाते खुद एक पौ लीटर दूध पी लेकर सो जाओ, तुम्हारे रग रगों में पूरा वो काम करता, तो जब तुम लोग सही तरीके पर चलते, अगर नहीं जाएंगे यहाँ से एक्सरसाइज करेंगे जाएंगे तो जाएंगे वो नहीं चलता, उनको ये समझा तकलीफ दिया। पहलान जी आप आपके ये थोड़ा अपने हैदराबाद से भी मेहंदीपट्टनम से भी लंगर हाउस से भी बहुत दूर है, पर अभी भी आप फन को यहाँ लेके चल रहे, पर अपने जनरेशन वाले पहिए मट्टी की मेहनत छोड़ दे के जिम के पीछे भाग जा रहे, पर आप ये इसको कौन से इसको सपोर्ट करते हैं, मट्टी के मेहनत को सपोर्ट करते हैं ना दंग जिम को सपोर्ट करते हैं? साहब जिम्स का ऐसा है फुग्गे में हवा भरते, अगर चार दिन ना को जाओ फुसबोल के चले आए, आज मेरी उंगली पकड़ के देखो मैं 40-35-30 सालों का छोड़ के, खैर मेरे को तो मेरा बच्चे को खुद मेरा बच्चा बड़ा बच्चा खुद नवासे वाला है, तो मेरे को पढ़ने वास्ते ज़मीन की मेहनत जितनी मजबूती सी रहती जिम्स की मेहनत में उतनी ताकत नहीं रहती, क्योंकि वो करे तलक आदमी फूल जाता। और ये भी देख रहा हूँ मैं बच्चों को ये समझा रहा हूँ, देखो बेटा तुम लोग इंग्लिश ना नहीं लेना, वो दवा वो पाउडर नहीं खाना, तुम जो भी खाओ तुम्हारा खाना खाओ रोटी खाओ लेकिन खा के एक्सरसाइज करो, लेकिन ये फालतू चीज़ों की तरफ मत जाओ। तो जिम्स को अपने मट्टी को इतना फर्क है साहब, मट्टी की जो एक्सरसाइज है साहब वो कभी तुमको ख़राब होने नहीं देंगी, बराबर। पहलान जी अपने इंडिया में एक बच्चियाँ भी एक टॉप लेवल पे लड़कों के हिसाब से बच्चियाँ भी पहलवानी कर रहे, नेशनल इंटरनेशनल भी टच हो गया और उभरते बच्चियाँ बहुत है आज के अपने इंडिया में, अपने साउथ के तरफ क्या होगा थोड़ा पहलवानी को अनदेखा कर देते, पर आप साउथ में लड़कियों की पहलवानी को सहमत है क्या, आप लड़की भी पहलवानी करना गलत नहीं है बोले तो? नहीं बिल्कुल कर सकती बच्ची, क्योंकि कल अपने इंडिया पे अगर बाहर की बच्ची अगर सवाल करी तो अपनी बच्ची भी तैयार रहना, अपन उनको ऐब लगाते रहे तो बच्ची कहाँ से तैयार हो, बराबर उनको अपन आगे बढ़ाते रहना। लेकिन जिस वक्त अगर अपने दंगल में आ गई बच्ची तो वो घर वाले की नहीं वो अपनी है, अपनी बच्ची को समझ के उसको आगे बढ़ाओ, कोई अपने पास कोई सवाल करा अपने इंडिया पे तो अपन भी तैयार रहना, तो ये ट्रेनिंग देते गए तो बच्ची का दिल बढ़ते रहता आगे निकलते रहती,
आज नेशनल में जाती, कल इंटरनेशनल को भी जाती बच्ची। बराबर। अगर अपन अगर बच्ची पे कुछ बोलते रहे तो वो न को ये न को वो नहीं करना ये नहीं करना बोले, कल के दिन वो अपन पीछे होते रहते। बराबर। बच्ची करने में कोई ऐब नहीं है सर, बच्ची बरोबर एक कर सकती। सिखाने वाला भी ढंग का रहना और सीखने वाले भी ढंग का रहना। सही बोले। मैं अपने हैदराबाद के हैदराबाद में 8 महीने से अपने पूरे हैदराबाद के जितना हो सके उतना जाके पहुँच के उन तालीमों का, उनके बड़े जो तालीम को संभाल रहे उन लोगों के वीडियोस बना रहा हूँ, बड़े पहलवानों के, वो पहलवानी कैसा करे, वो टाइम पे कैसा करके कर पहलवानी करे, वो सही गलत की फ़र्क दिखा रहा हूँ। आज आपके कहना हूँ आपको, आपको कैसा महसूस हो रहा? मेरा को तो इतनी खुशी हो रही, जो एक मामली सी गंग जो आके आप यहाँ से जो लेके जा रहे, इससे बढ़ के खुशी मेरा, मैं 40-50 साल से भी एक्सेस करा तो उतना खुश नहीं हुआ। जो आके जो यहाँ की जो बुनियाद को उठा के लेके जाए वो मेरे को बहुत खुशी है सर। और ऐसे आप लोग अगर इसको बढ़ाते रहेंगे तो एक्सेस ये तालीम दंगला खुद ब खुद आगे बढ़ते रहेंगे, कोई इसको पूछने वाला नहीं थे आज तक। आज तुम जो उठा के जो ले जा रहे, हमारी दुआ है तुम्हारे को, तुम हर जगह सक्सेस होते रहेंगे। पहलवान जी, आपके ये जो अखाड़ा है इसको आना बोल तो कुछ टाइमिंग क्या, सुबह की टाइमिंग क्या, शाम की टाइमिंग क्या, इसका कौन देखभाल करते, कौन करते पहलवान जी इसका पूरा? मेरा बच्चा है चैन पाशा, खलीफा बनाया और इसकी पूरी निगरानी में उसके काम करते। अगर मैं 4-5 दिन की ओर आता हूँ, अगर बच्चा कोसी दव लगा रहा, अगर हाथ ऊपर पलटे ये गलत है, अगर उसको सही तरीके से दव बता के फिर मैं बोलता हूँ बेटा इसको ऐसा लेके चलो, और ये मेरे बच्चे के चांद बजा के निगरानी में ये पूरा दिन चलते रहता। सुबह कितने टाइम से चालू होती है? शाम सुबह सुबह 6 बजे आ जाते बच्चे आके, उनके जो भी 8 बजे तक, कोई बच्चा ऐसा घर का नहीं रहा तो 9 बजे तक, और नहीं तो बच्चे काम वाली कॉलेज खुला है ना सर, कॉलेजों के बच्चे उस टाइम पे 8-8:30 को चले आते हो, और जो बच्चे घर के नहीं रहने वाले 9-10 बजे तक भी कर लेते, और शाम में 6 बजे खुल जाती। अब 11 बजे तक भी जोर आ रहा है तक 12 भी बस। आज लोगों की बारी, जो कहें कह लेने दे।